हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक एसरी एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हमेशा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहते हैं। चलिए, आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सरकार। दोस्तों, बहुत हमने पढ़ा होगा, पिछले बहुत सारे लोगों का क्लास लिया होगा, लेकिन क्या आपको दोबारा रिविजन करना पड़ता है? शायद हाँ, लेकिन आज से आप लोगों को रिविजन करने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्दों के प्रकार मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शब्दों के प्रकार के बारे में। तो शब्दों के प्रकार याद कैसे होगा, शब्द होता क्या है, हम लोग पहले ये तो जान लें। ठीक है, जो शब्द होता है दोस्तों, वर्ण या अक्षरों का एक ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो। वर्ण मतलब समझते हैं दोस्तों, क ख ग घ ङ, अक्षर भी वही उसी को बोलते हैं। आप लोग वर्णमाला को वीडियो अगर आपने कोई नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर दिया गया है, जाकर के देख लीजिए वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, मैंने पूरा विस्तार से बताया। ठीक है, तो जो वर्ण या अक्षरों का एक ऐसा समूह, अरे ऐसा समूह नहीं, एक ऐसा स्वतंत्र समूह होना चाहिए जिसका कोई क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, और उसी को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहां लिखा लड़का, ल एक वर्ण हो गया, अड़ हो गया, फिर का हो गया, तो तीनों को मिलाकर के क्या बन गया दोस्तों, लड़का बन गया। तो एक लड़का एक शब्द है जिसका एक अर्थ निकलता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कलम है, तो क ल म तीन वर्णों से मिलकर के एक शब्द बना है जिसका एक अर्थ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक समूह जिसका कोई एक अर्थ निकले, समझ में आया, जिसका क्या निकले, अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं किसी भी वर्ण को आप जोड़ लीजिए और उसका कुछ अर्थ ही ना हो। अब हम झूठ ही जो है मकान है, ये सब झूठ ही है ना, इस तरीके से जो है जोड़ लें, ऐसा थोड़ी तो किसी भी वर्ण को जोड़ दे शब्द बन जाते, नहीं, वर्ण को जोड़ने पर शब्द बने, लेकिन उसका क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। और इसके बाद अब आप लोग पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार के बारे में। यहाँ आपने आगे देखा अरबी, ये अरबी क्या है, यही तो है दोस्तों, मैं आप लोगों के ट्रिक ट्रिक लेकर के आता हूँ। अरबी का मतलब होता है ये जो शब्दों के प्रकार है, अब आपको याद ऐसे ही होगा अरबी, कैसे, अ से हो जाएगा अर्थ के आधार पर, र से हो जाएगा रचना के आधार पर, जो ऊ की मात्रा है दोस्तों ये हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, वी का मतलब होता है विकार के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और विकार के आधार पर। क्लियर है, क्लियर है। अब आपको शब्दों के प्रकार याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरबी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर आपके क्या होते हैं, ये होते सार्थक, निरर्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द होते हैं। ये आपके किसके प्रकार है, ये अर्थ के आधार पर, एक ऐसा शब्द जिसके अर्थ के माध्यम से जिसके प्रकार बताए गए हैं, एक होता है, दूसरा होता है रचना के आधार पर, रूर होता है, योगिक होता है और योगनर होता है, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर जिसके प्रकार देखेंगे आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, चौथा होता है विकार के आधार पर, विकारी होता है, अविकारी होता है, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन है ना, परिवर्तन के आधार पर, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, मतलब एक ऐसा शब्द जो परिवर्तनशील हो और एक ऐसा शब्द जो अपरिवर्तन हो। तो विकारी शब्द के आधार पर कौन कौन से प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषक, अविकारी के आधार पर क्रिया विशेषक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आप लोग पार्टाइप स्पीच पढ़े ना, आठ होता है, नौ होता, तो वही पार्टाइप स्पीच, बस इसमें आप याद कर लीजिए, नाउन, प्रोनाउन है ना, वर्ब और एडजेक्टिव होता है, बस इसी का जस्ट उल्टा, लेकिन आपको यहाँ ऐसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं फिलहाल। इस वीडियो में हम केवल प्रकार के बारे में जाने हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर प्रकार और उसके सारे डिटेल्स के बारे में, छोटा छोटा जो पार्ट है मैं सब बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।